महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे, 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। चुनावों के लिए बीजेपी ने 99 कैंडिडेट की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इन सब के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद शरद पवार के साथ राज्य के अन्य नेता नजर आ रहे हैं। वीडियो में शरद पवार एक टोपी लगाए हैं और जो ऑडियो सुनाई दे रहा है उसमें एक समुदाय को वोट देने का महत्व बताते हुए एकजुट होकर मतदान करने को कहा जा रहा है। इस वीडियो को हालिया महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने समुदाय विशेष से वोट देने की खास अपील की है। दावे की वजह है वीडियो में बैकग्राउंड में सुनाई दे रही आवाज़, यानी उसका ऑडियो। इसमें कोई शख्स कह रहा है, चुनाव के दिन आप पहले से अपनी जमातें बना लीजिए, अपनी कमेटियां बना लीजिए, एक एक वोटर मर्द और औरत को इज्जत के साथ ले जाकर वोट डलवाइए। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा। इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो क्या होगा आप समझ भी नहीं सकते। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जितेंद्र सिंह नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को विद ऑडियो के साथ शेयर करते हुए लिखा, विशेष समुदाय ने कांग्रेस एनसीपी शिवसेना उभाटा को जिताने की जबरदस्त तैयारी शुरू की है। ये कहा जा रहा है कि किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र मत देखो, चाहे उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार हो, कांग्रेस का उम्मीदवार या शरद पवार का उम्मीदवार, एकदम नालायक हो, नाकारा हो, कोई काम ना करता हो, फिर भी हमें बीजेपी के खिलाफ इन्हें जिताना है। इसी से मिलते जुलते दावे सन्नी नमो नाम के एक यूजर ने भी किया है। उसने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अभी ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपको बीजेपी शिंदे के उम्मीदवारों को जिताना होगा, चाहे उम्मीदवार आपके पसंद का हो या ना हो। तो क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? शरद पवार का वायरल वीडियो कब का है? क्या मंच से समुदाय विशेष को एकजुट होकर वोट डालने की अपील की जा रही है? वीडियो के एक फ्रेम को गूगल सर्च करने पर हमें आम आदमी पार्टी मुंबई के एक्स हैंडल से 30 मार्च 2024 को किया गया एक पोस्ट मिला। इसमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते कुछ सीन हैं। याद रखें, वीडियो ऑडियो नहीं। यहाँ दी गई जानकारी के अनुसार ये इफ्तार पार्टी एनसीपी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने आयोजित की थी, जिसमें मुंबई के आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। इससे मदद लेते हुए हमने YouTube पर कीवर्ड सर्च किए। हमें लंतरानी न्यूज़ लाइव के YouTube चैनल पर 31 मार्च 2024 को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इसमें भी वायरल वीडियो से मिलते जुलते दृश्य हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखी जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम मुंबई के इस्लाम जमखाना में हुआ था, जहां शरद पवार गुट की एनसीपी ने इफ्तार पार्टी दी थी। लेकिन इसमें कहीं भी बैकग्राउंड वाली आवाज़ में इस तरह का ऐलान नहीं किया जा रहा जैसा वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है। इससे इतना तो साफ हो गया कि वायरल वीडियो करीब 6 महीने पुराना है, हाल फिलहाल का नहीं है, यानी इसका आगामी चुनाव से लेना देना नहीं है। वीडियो को गौर से देखने पर समझ आ रहा है कि इसमें चल रहा ऑडियो वीडियो में दिखाए जा रहे विजुअल से मैच नहीं कर रहा। वीडियो में लोगों का कार्यक्रम में आना जाना, नेताओं का मेल मिलाप चल रहा है, जो ऑडियो से मेल नहीं खाता। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि ऑडियो में इतनी बड़ी बात कही जा रही है लेकिन कोई भी नेता उसे गंभीरता से नहीं सुन रहा है। मामले की और जानकारी के लिए हमने इस कार्यक्रम में मौजूद रहे आप मुंबई के अध्यक्ष रूबीन मस्कारेन से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो एडिटेड है। रूबीन ने कहा, जिस इवेंट का ये वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ मैं खुद मंच पर मौजूद था, वहाँ ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ था, वीडियो एडिटेड है। उस वक्त लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता भी लागू थी, तो इस तरह की बात होना संभव ही नहीं है। वो एक इफ्तार पार्टी थी जहां लोग एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे थे, किसी एक समुदाय को वोट डालने की अपील जैसी बात नहीं हुई थी। अब सवाल ये कि वीडियो में नजर आ रहा ऑडियो किसका है? इसके लिए हमने ऑडियो में सुनाई दे रही लाइन इलेक्शन में वोट डालने को दीन से हटकर काम मत समझिएगा को गूगल सर्च किया। मालूम पड़ा कि यह इस्लामिक स्कॉलर सज्जाद नोमानी की आवाज़ है। हमने सज्जाद नोमानी के YouTube को खंगाला, वहाँ हमें 28 मार्च 2024 को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला। इसमें करीब 1 घंटे 12 मिनट से उस हिस्से को सुना जा सकता है जो वायरल वीडियो में मौजूद है, यानी ये आवाज़ सज्जाद नोमानी की है जिसे वायरल वीडियो में जोड़कर एडिट किया गया है। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में साफ है कि इफ्तार पार्टी का 6 महीने पुराना वीडियो भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। वीडियो में मौजूद ऑडियो को अलग से जोड़ा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये पड़ताल आपके लिए की थी हमारे साथी शुभम ने। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहे ललन टॉप पर। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर ललन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार ललन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो dlalantop.com पर जाइए, वहाँ पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट।